नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं खास खबरों पर। खास खबरों में सबसे पहले बात जीएसटी में इनपुट टैक्स चोरी को लेकर सरकार के एक्शन की करेंगे। फर्जी चालानों के जरिए हो रही इनपुट टैक्स चोरी पर अब केंद्र सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नए जीएसटी पंजीकरण को आधार से जोड़ा जाए और अब बैंक, डाकघर और जीएसटी सेवा केंद्रों पर आधार के जरिए पंजीकरण होगा। इस नई प्रक्रिया को समझने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स होता क्या है। दरअसल इनपुट क्रेडिट का मतलब है सामान की खरीद के समय चुकाया गया टैक्स, और इनपुट पर टैक्स देने के समय आप अपने इनपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपने सामान खरीदते समय पहले से चुकाया है, पक्के बिल से जो माल खरीदा जाता है उस पर लगा टैक्स दे होता है, उसी पर आपको जीएसटी रिटर्न भरने से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। नई प्रक्रिया से फर्जी चालानों की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराने वाले के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराने के लिए फर्जी चालानों की मदद से टैक्स चोरी होने के मामले मिल रहे थे। जीएसटी में फर्जीवाड़े को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। जीएसटी परिषद की विधि समिति ने जीएसटी प्रक्रिया में फर्जी चालानों पर रोक के लिए सरकार से सिफारिश भी की है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए कानून बनाए जाए। पिछले कई दिनों से जीएसटी के खुफिया महानिदेशालय ने देश भर में फर्जीवाड़े के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब तक करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला और 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है। 2385 फार्मों के खिलाफ फर्जीवाड़े की कार्रवाई भी हुई है, जिसमें 648 मामले दर्ज किए गए हैं। अब खास खबर में अगली खबर समाज के उस वर्ग से जुड़ी है जिसके प्रति लोगों का नजरिया ही अलग है। इस वर्ग को ना तो समाज में अब तक उचित सम्मान मिला है और ना ही सिर उठाकर जीने का हक। हम बात किन्नर समाज के लोगों की कर रहे हैं, जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों को कोरोना महामारी से निपटने और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करते दिखेंगे। परिवहन विभाग की पहल पर सुरक्षा सप्ताह के तहत किन्नरों की 6 टीमें बनाई गई, जो शहर के चौराहे पर लोगों को जागरूक करते दिखे। ट्रैफिक पुलिस की ये पहल काबिले तारीफ है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।